आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। घर चलते हैं दुआ। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती नदी, आप प्लीज जाइए यहाँ से, अब भी मुमकिन नहीं। अब नदीम अहमद नहीं नजर आ रहे? नदीम मुझे ड्रॉप करके चले गए थे, उन्हें बिजनेस डिनर पर जाना था। अगर अंदर आते तो फिर उन्हें काफी देर हो जाती, इसलिए ये लीजिए। सुनिए जी, बैठिए। क्या बात है, किन सोचों में गुम है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप उलझे उलझे सी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुआ की तरफ से कोई फिक्र लाख है? अगर कोई मसला है तो बताएं मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे भी मामला जब मर्दों के हाथ में चला जाए तो बड़ी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर जाता है, इसलिए आप रहने ही दें, सब ठीक है। मैं बस वैसे ही किसी उलझन का शिकार हुई हूँ। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वैसे दिल मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, आप दुआ को भी बुला लीजिए, इकट्ठे मिलकर चाय पी लेंगे। ठीक है। बड़ी आपा, ये दुआ कहाँ से मिली? आई मीन कौन है और नदीम की जिंदगी में कब आई? अरे अरे, इतने सारे सवाल। श्री बाबा, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट हर। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं शाजिया इस बात का, जब नसीब फूटने होते हैं तो बहाने बन ही जाते हैं। मतलब? मैं तो ये समझी थी कि दुआ जब नदीम अहमद की जिंदगी में आएगी तो खुशबख्ती लेके आएगी। मुझे क्या पता था कि नदीम अहमद का सुख चैन ही खत्म हो जाएगा। नदीम अहमद की ख्वाहिश के आगे हमें घुटने टेकने पड़ गए। दुआ के रंग ढंग तो उसकी शादी के बाद ही खुलकर आए, लेकिन तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? नहीं आपा, मैं कैसे परेशान ना हूँ, आप खुद बताएं मुझे। आप तो जानती हैं ना कि नदीम के साथ मेरा बचपन गुजरा है, एक साथ अच्छा वक्त गुजरा है, और उसको ऐसे दुखी तो नहीं देख सकती ना मैं। यही तो बात होती है अपनों की, कि एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ रेस्ट करो। वाह, सही ट्रैक पर जा रही हो शाजिया, शाबाश। दुआ, आखिर कौन सी फिक्रों ने तुम्हें घेरा हुआ है कि तुम अपने कमरे में भी बेसुकून? ऐसा कुछ नहीं अम्मी। बेटा, कब तक छुपाओगी मुझसे? नहीं, आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हैं? मैंने तो ये देखा है कि जिस दिन से तुम इस घर से ब्याह कर गई हो, सुखी नहीं हो। आखिर क्या बात है?
कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? शादी हुई है मेरी, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मेरी। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं, बहुत खुश हूं मैं। ये जिम्मेदारियों के किस्से तुम अपनी माँ को समझाओ। बेटा मुझे झूठी तसल्लियां देना बंद कर दो। मैं बच्ची नहीं हूँ कि ये सारी कहानियां मुझे समझ में ना आए। मैं अच्छे से देख रही हूँ कि नदीम अहमद हमेशा तुम्हें घर के बाहर से ही छोड़कर चले जाते, ना अंदर आते ना किसी का हाल पूछते। क्या हो गया अम्मी? कितनी छोटी छोटी बातों को नोट करना शुरू कर दिया आपने। नदीम तो ऐसा सोचते भी नहीं। देखो तुम इस बार जो सामान अपने साथ लेकर आई हो ना, ये सिर्फ चंद दिनों का नहीं है, और ऐसे हालात में नदीम का गायब हो जाना भी कुछ ठीक नहीं है। देखो माँ से वैसे भी कभी कुछ नहीं छुपता। तुम कम से कम बताओ तो सही कि मसला क्या है, और बड़ों को शामिल करो ताकि हम उस मसले का हल तो निकाल सकें। जब कोई मसला है ही नहीं तो किस बात का हल? यानी कि तुम नहीं बताओगी? हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। अच्छा ये बताओ कहाँ हो? इस वक्त कहाँ आऊँगा, ऑफिस में हूँ। अच्छा तो घर कब आ रहे हो? यार ऑफिस की एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है, लेट हो जाऊंगा। कहीं बाहर डिनर करें साथ में? नॉट पॉसिबल टुनाइट, नेक्स्ट टाइम प्लीज। ओके ठीक है, एज यू विश। वेल शाम में आता हूँ तो बात करते हैं, बाय। ओके बाय। अरे नदीम मियां, हमें तुमसे बड़ी शिकायत है, कहाँ गायब हो? बस अंकल ऑफिस के काम उन्हें उलझाए रखा है। अरे भाई ऐसी भी क्या मसरूफियात, महीने तक कोई खैर खबर नहीं। हमें तो लगता है तुम हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हो। ऐसी बात नहीं अंकल, मेरा तो खुद बहुत दिल चाहता है आप लोगों से मिलने का, लेकिन बस ऑफिस के काम जान ही नहीं छोड़ते। आज भी इत्तेफाक से मैं यहाँ करीब ही था तो सोचा आप लोगों से मिलूं। बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आती हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का कहता हूँ मशीन से, हैं? ट्रेन पर। मैं बताता हूँ, दरअसल बात यह है कि आप ही अपने ससुराल में खुश नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी अना का झूठा भरम रख रही हैं। दुआ क्यों आए हैं आप यहाँ? मैं लेने आए हूँ। तुम ये रूठी भी अच्छी नहीं लगती। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो आप प्लीज ऐसा नहीं करो, तुम्हारे बगैर घर वीरान हो गया है। कोई फायदा नहीं है,
मुझे सिर्फ उस घर की दीवारों ने तस्लीम किया, उस घर के लोगों ने नहीं। मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हर वक्त मेरी तजलील की जाती है, हर बात का इल्जाम मुझे दिया जाता है। मेरे पास तो इतना इख्तियार भी नहीं कि अपने दिफा में कुछ कह सकूं, ताकि उस घर के लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम्हारा इशारा आपाओं की तरफ है। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। तो फिर चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। नदीम प्लीज, ये सब किताबी बातें, इन सब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। प्लीज चले जाइए यहां से। जब हालात बेहतर हो जाएंगे मैं खुद ही आ जाऊंगी। दुआ, ये नदीम अहमद अचानक कहाँ चला गया? मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि वो दरवाजे से बाहर जा रहा है। क्या हुआ है? देर हो रही होगी उन्हें। देखो दुआ, हम मुझे बता भी दो कि आखिर क्या बात है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। और अम्मी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें आप। दुआ, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम नदीम के साथ क्यों नहीं गई? अम्मी अभी मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए। अम्मी। हाँ बेटा, क्या बात है, बोलो। अम्मी वो तो आप ही, आपको कभी सच नहीं बताएंगी। तो फिर कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि आप ही अपने ससुराल में खुश नहीं है। वो सिर्फ अपनी अना का झूठा भरम रख रही हैं। मुझे पहले ही अंदाजा था। उनकी दोनों नंदों ने उनका जीना हराम किया हुआ है। और तो और नदीम भाई भी उन्हीं के कंट्रोल में है। नदीम भाई अब वैसे नहीं रहे जिसे शादी से पहले हुआ करते थे। कोई और बात है बताने वाली? जी अम्मी, यहाँ से आने से पहले आप ही अपने दोस्त निजा के घर रुकी हुई थी। हेलो।
मुझे सिर्फ उस घर की दीवारों ने तस्लीम किया, उस घर के लोगों ने नहीं। मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है। हर वक्त मेरी तजलील की जाती है, हर बात का इल्जाम मुझे दिया जाता है। मेरे पास तो इतना इख्तियार भी नहीं कि अपने दिफा में कुछ कह सकूं, ताकि उस घर के लोगों को बुरा ना लग जाए। जब हालात बेहतर हो जाएंगे मैं खुद ही आ जाऊंगी। जी मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है अम्मी? वही बात जो तुम मुझसे छुपा रही। सॉरी आपी, लेकिन मैं आपको मजीद तकलीफ में नहीं दे सकता। कर जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। तुम तो मेरी बहुत सब्र वाली बेटी हो ना, शाहीन, शाहीन। जी जी साहब जी। यहां से दुआ और मेरी तस्वीरें किसने हटाई? मैंने हटाई है। शाहीन तुम जाओ। हसीन दिन थे वो, आपका और मेरा साथ। कुछ तो रश्क आता है। ये रिश्ते ही नाते मोहब्बत है धोखा। कहाँ खो गए बुद्धे? ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा। लगता है कि जैसे एकदम से कोई आंधी आई और हमें उड़ा कर ले गए। ये चाहत वफा के है किसे पुराने। होश बहाल हुए तो हम एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके थे। रोता नहीं है जो गुजरी मेरे दिल पे। नदीम हमारी जिंदगियों का रोशन सितारा, जो जख्म कैसे तारीखियों की जद में आ गया। और तकलीफ इस बात की है कि हमारे दरमियान अब कितने फासले हैं। Oh,
ऐसा करना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए इस कमरे से हर उस निशानी को मिटा दिया है मैंने जिसकी यादें तुम्हें तकलीफ देती थी। Trust me, you will be okay. मुझे अपनी चीजों में तब्दीलियां पसंद नहीं। कोई मेरी जाती चीजों को हाथ लगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। I know, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिन मामलात को तुम फेस कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उदासी तुम पर नहीं जचती है यार। मुझे देखो, देखो मुझे, मैं भी तो इसी तकलीफ और दुख से गुजर कर आई हूं नदीम, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारी जिंदगी उस शख्स की यादों को दिल से लगाकर तकलीफ झेलती रहती। आई एम नॉट स्टूपिड, मैंने घर और जिंदगी के हर दायरे से उसे मिटा डाला है। एंड नाउ आई एम हैप्पी। ये सब मुझे बताने का क्या मकसद? ओह कम ऑन नदीम यार, तुम बच्चे तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है तुमने दुआ से शादी कर ली, वो तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन नदीम खुद को तकलीफ देना कहाँ की अकलमंदी है? This is life. आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। रुक जाना मौत है। That's why move on. यही तुम्हारे हक में बेहतर है नदीम। मेरे जाती मामलात से दूर रहो, जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जस्ट गो। क्या बात है शाजिया, तुम रो क्यों रही हो? उस कमजर्फ को याद करके रो रही हो? कोई फायदा नहीं, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं अपने आंसू बहाने की। वो किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है आपा, आज मैं किसी और बात पे रो रही हूं। क्या मतलब, किसने रुलाया है तुम्हें? नदीम ने, और किसने? नदीम ने? जी आपा, आज नदीम ने जिस लहजे में मुझसे बात किया ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे खुलकर बताओ ना, मैं ताकि कुछ कर तो सकूं, इस तरह मुझे इल्हाम थोड़ी हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया उसके हक में किया, लेकिन उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अब पहली ना भुजवाओ शाजिया, बताओ क्या बात है? पापा, मैंने उसके कमरे की सिर्फ हल्की फुल्की सी सेटिंग चेंज की थी, लेकिन वो तो एकदम से मेरे ऊपर ऐसे भड़क उठा जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया।
शाजिया तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? पापा, मैं कई दिनों से नदीम को उदास देख रही हूँ। वो नदीम है ही नहीं जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा है। मैंने तो जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया ना, लेकिन उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे मैं उसकी कजन नहीं हूं, इस घर की मुलाजमा हूं। अच्छा चलो, रोना बंद करो। शाहीन, शाहीन जी। बड़ी बीबी जी, जरा नदीम अहमद को बुला कर लेकर आओ। जी अभी लेकर आए। आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत है? नदीम अहमद, कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या है? नदीम अहमद, शाजिया को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए और तुमने उसको झिड़क दिया? उसका कसूर ही क्या था? तुम्हारी फिक्र की है उसने। मैं बताती हूँ अपना कसूर। मैंने नदीम के कमरे से दुआ की तस्वीरें हटवाकर अंदर रख दी थी, बस यही है मेरा गुनाह। मैं अभी जाकर वो तस्वीरें लगा देती हूँ वापस। तुमने अच्छा नहीं किया नदीम अहमद। अरे उसने तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा ना, और तुमने उसको झिड़क दिया। लेकिन आपा, वजाहत देने की जरूरत नहीं है। अब जाओ, जाकर शाजिया से माफी मांगो। मैंने उसे जानबूझकर नहीं डांटा है, बस मुझे नहीं पसंद मेरे कमरे या जिंदगी में कोई रद्दोबदल करे, बस इसीलिए। नदीम अहमद, रास्ते से अगर कोई पत्थर हटाए ना तो उसका एहसान मंद होना चाहिए। अगर शर्मिंदगी हो रही है तो जाओ जाकर शाजिया से माफी मांगो, वरना तुम कहते हो तो तुम्हारी जगह मैं चली जाती हूँ माफी मांगने के लिए। और आप कहाँ जा रही हैं? और आप क्यों माफी मांगेंगी उससे? मैं खुद ही जाकर माफी मांग लेता हूं। क्यों आए हो? सॉरी बोलने आया। तो बोलो। I'm sorry. मान जाओ ना, क्या है यार, सॉरी कर तो रहा हूं, आपके कान पकड़ने पड़ेंगे। तो फिर एक शर्त पर माफ करूंगी। अरे बाबा पूछो ना। क्या क्या? तुम्हें मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खिलानी होगी। इस वक्त? हाँ, क्यों नहीं खिला के ला सकते क्या? हाँ क्यों नहीं ला सकते? तो ठीक है,
फिर मुझसे माफी की भी कोई उम्मीद मत रखना। मैं जा रही हूँ बड़ी आपा के पास तुम्हारी शिकायत लगाने के लिए कि तुमने मुझे फिर से डांटा। अरे सुनो तो सही। अच्छा रुको एक सेकंड। अरे रुको, क्या क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? बड़ी हो जाओ। ठीक है, मैं गाड़ी की चाबी ला रहा हूँ, फिर चलते हैं। खुश चल दिया ना, मैं वेट कर रही हूँ। हर दिन एक इम्तिहान की तरह लगता है, और लगता है कि मैं उस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा, तुम नदीम अहमद को अपने एतमाद में लेकर सारी बात बता दिया करो। मेरी प्यारी अम्मी, चल मैं जा रहा हूँ कॉलेज, और वापसी पे आते हुए आप ही के लिए कुछ ले आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, कहीं ये ना हो कि कॉलेज से अपने फालतू दोस्तों के साथ निकल गए। जैसा आपको हुकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। दुआ बेटा, शाम के लिए क्या बना लूं? कुछ भी बना ले अम्मी, वैसे भी तबीयत बहुत जल्द सी हो रही है, दिल ही नहीं है कुछ खाने का। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नदीम अहमद को लेकर उदास हो, इसलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा ना। नदीम बहुत अच्छे हैं अम्मी, लेकिन और कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बेटा सब कुछ अच्छा हो सकता है, तुम एक बार अपनी माँ पे भरोसा करके उसे दिल का हाल तो बताओ। मैं आप पर घर की इतनी जिम्मेदारी है, और फिर मैं ससुराल के मसले भी आपको बताना शुरू कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सामेली दुआ कर दिया करें, नदीम की बहनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। हर दिन एक इम्तिहान की तरह लगता है, और लगता है कि मैं उस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा, तुम नदीम अहमद को अपने एतमाद में लेकर सारी बात बता दिया करो। मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा होता है, लेकिन होता उतना ही मजबूत भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन नदीम अपनी बहनों की बातों में इस तरह से उलझ गए हैं कि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सच पूछे अम्मी तो इस सब में कसूर नदीम का नहीं है। नदीम की बहनें उन्हें तस्वीर का जो रूप भी दिखाती हैं, वो बस वही देखते हैं। बेटा दुआ, माँ हमेशा अपनी औलाद की खामोशी में छुपी परेशानी को भांप लेती है। भला ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बेटी इतने सब्र ज़ब्त से काम ले रही हो, और मैं उसकी तकलीफ से लाइल्म हूँ। तुम देखना बेटा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम और नदीम अहमद बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ बोल फराज, मैं एक मीटिंग में जा रहा था, थोड़ा जल्दी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी थोड़ी हूँ जो टाइम टेबल के मुताबिक बात करूंगी। अच्छा बाबा मैं हारा, खैरियत तो है ना? हाँ यार, वो मैं चंद दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। अभी तो आया था तू? हाँ यार, वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है, लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये बात सुनो। हाँ हाँ बोलो।
देख जब मैं वापस आऊँ ना तो तेरे और दुआ भाभी के जो मामलात हैं वो ओके होने चाहिए, वरना मैं बता रहा हूँ इस बार ना तेरी बख्शिश नहीं है। हूँ उसे काम नहीं चलेगा, अपनी जिंदगी की चीजें सॉर्ट आउट करो। देख शादी मोहब्बत की हो या अरेंज, रिश्ता निभाना पड़ता है यार। और प्लीज तुम दुआ भाभी को अंडरस्टैंड करो, बाकी सारी चीजें सानवी हैं। तो फिकर ना कर। हेलो हेलो हेलो, बंद करो। अरे भाई बंद करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शाजिया ये ऑफिस है, ऑफिस के कुछ डिकोरम होते हैं। ओफो, तुम्हारा ऑफिस है किसी गैर का नहीं, हटो पीछे। अरे हटो ना। अब क्या तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए मुझे यहाँ के अदब-ओ-अदाब सीखने होंगे?